बरोज मंगल यौम जमहूरियत हिंद के दिन परचम हिंद लहराने के बाद एक दरख्त लगाकर बाबरी मस्जिद के मतबादल मस्जिद की नींव रखा गया। हालांकि इस पहल के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों का मिला जुला रवैया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट IICFT के सरबराही में तामीर की इब्तदा किया गया और वहीं इस प्रोजेक्ट की देख रेख करेगा। 15वीं सदी में बनी बाबरी मस्जिद हिंदू और मुसलमानों के माबैन कई दहाई तक तनाजे का मुद्दा रहा और इसके नतीजे में कई मरतबा खूनरेजी भी हुआ। हिंदुस्तान की अदालत अजमी ने इस तनाजे पर रोक लगाते हुए साल 2019 के नवंबर में फैसला दिया और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का और उसके बदले में नई मस्जिद तामीर करने के लिए मुनासिब जगह फराहम करने का हुक्म दिया। ट्रस्ट के सेक्रेटरी अतहर हुसैन ने बताया कि मस्जिद की तामीरी काम शुरू हो चुका है। इसमें एक कौमी रसोई, कुतुब खाना, अस्पताल, म्यूजियम वगैरह हैं और उन्हें मुस्लिम माशरे से मजीद मदद हासिल है। हालांकि कुछ एक लोग इसके मुखालिफ हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब जिलानी का कहना है कि मस्जिद को लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। हालांकि ट्रस्ट के कारकुनान का कहना है कि उन्हें सपोर्ट में मुसलमान अक्सरियत है।